हम देख रहे हैं नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के कंस्ट्रक्शन पैकेजेस का प्रोग्रेस, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पैकेजेस यानी 13, 14 और 15 के वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उसे इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब इस नए वीडियो में हम देखेंगे इस बाला साहेब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के अंदर कंस्ट्रक्शन पैकेज 16 का प्रोग्रेस। ये पैकेज इस समृद्धि महामार्ग का आखिरी पैकेज है। इस पैकेज के बाद 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सामने ये और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने में मुझे और मेरे ड्रोन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपके सपोर्ट से हमें ऐसे नए वीडियोस बनाने की ऊर्जा मिलती है। अब तक इस नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का टोटल 582 किलोमीटर लंबा हिस्सा ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ है। पहले 502 किलोमीटर यानी नागपुर से शिरडी सेक्शन का दिसंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। फिर मई 2023 में इसके आगे का 80 किलोमीटर यानी शिरडी से भारवीर तक के सेक्शन को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया। अब तक नागपुर से भारवीर तक समृद्धि महामार्ग चालू हो चुका है और भारवीर से आगे आमने तक इस पर अभी तेजी से काम चल रहा है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन को 4 पैकेजेस में बांटा गया है और वो पैकेजेस है पैकेज 13, 14, 15 और 16। इनमें हमने देखा है कि पैकेज 14 तो पूरा बनकर तैयार है और पैकेज 13 और 15 पर अभी काम चल रहा है। पैकेज 15 की तरह पैकेज 16 को भी बना रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी। पैकेज 16 की टोटल लेंथ है 37 किलोमीटर और ये पैकेज चालू होता है बिरवाड़ी गांव से और खत्म होता है आमने गांव में, जहां ये समृद्धि महामार्ग मिल जाता है नए बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ। इस पैकेज 16 में है 5 वायाडक्ट्स, 2 टनल्स और 1 रोड ओवर ब्रिज। इस पैकेज में 2 इंटरचेंज भी है। एक इंटरचेंज है खुटगर या शाहपुर के नजदीक और दूसरा है इस पैकेज का एंड पॉइंट यानी आमने। इन सभी का प्रोग्रेस हम इस वीडियो में आगे देखेंगे ही। सबसे पहले देखते हैं इस पैकेज का अलाइनमेंट कैसा है। पैकेज 15 जहां समाप्त होता है यानी बिरवाड़ी गांव, वहीं से चालू होता है पैकेज 16। फिर खुटाड़ी गांव के पास आता है एक 928 मीटर लंबा टनल। टनल के खत्म होते ही खुटाड़ी और सरलांबे गांव के नजदीक आता है 2.3 किलोमीटर लंबा एक वायाडक्ट। उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर के बाद आता है खुटघर गांव के नजदीक बना इंटरचेंज। ये इंटरचेंज समृद्धि महामार्ग को नेशनल हाईवे 160, नेशनल हाईवे 548A और आगे कल्याण नगर हाईवे को कनेक्ट करेगा। फिर 10 किलोमीटर बाद हिव गांव के नजदीक आता है एक 600 मीटर लंबा वायाडक्ट। आगे 6 किलोमीटर बाद अंबारजे गांव के नजदीक आता है इस पैकेज का दूसरा और समृद्धि महामार्ग का आखिरी टनल, जो है 463 मीटर लंबा। फिर 8 किलोमीटर बाद आता है एक रोड ओवर ब्रिज, जिससे समृद्धि मार्ग मध्य रेल की कल्याण कसारा रेल लाइन को ऊपर से क्रॉस करता है। फिर है इस समृद्धि महामार्ग का टोल प्लाजा और बाद में चिराड़पाड़ा के नजदीक आता है भातसा नदी के ऊपर बना 1.4 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट। और आखिर में आमने गांव के नजदीक है एक इंटरचेंज, जो समृद्धि महामार्ग को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करता है। यहां पर ये 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग समाप्त होता है। अब देखते हैं इस पैकेज 16 का प्रोग्रेस अपडेट। यह है बिरवाड़ी गांव और पैकेज 15 का एंड पॉइंट। यहां से पैकेज 16 की शुरुआत होती है। यहां देखें तो अभी पीक्यूसी लेइंग पूरी तरह से हो चुका है। फिर यह है खुटाड़ी गांव के पास बना टनल, जो है 927 मीटर लंबा। इस टनल के अंदर भी पीक्यूसी लेइंग हो चुकी है। टनल के दूसरे एंड पर अभी भी काम चल रहा है। यह है सरलांबे गांव और यहां से चालू होता है 2.3 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट, जो बना है भातसा नदी के ऊपर।
इस वायडक के लेफ्ट साइड के ब्रिज का काम पूरा हुआ है और अभी उस पर रोड लेइंग भी हो चुकी है। राइट साइड के ब्रिज का काम अभी पेंडिंग है। 1 अगस्त 2023 के दिन यहाँ एक बेहद दुखद हादसा घटा था। इस वायडक के गर्डर लॉन्चिंग के समय क्रेन दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसके नीचे 17 मजदूरों की कुचलकर मौत हो गई थी। इस बेहद भयानक हादसे में मृत सभी मजदूरों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उस हादसे के बाद से इस राइट साइड वाले वायडक पर काम रुका था, जो अब धीरे धीरे शुरू हुआ है और जल्द ही इस बाकी सेक्शन को भी पूरा कर दिया जाएगा। इस वायडक के बाद लगभग 3 किलोमीटर तक पीक्यूसी लिंक हो चुकी है। फिर अर्थवर्क का काम चल रहा है। फिर लगभग 1.5 किलोमीटर बाद आता है खुटगर इंटरचेंज। ये इंटरचेंज राउंड अबाउट टाइप का इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज से आप नेशनल हाईवे 160, नेशनल हाईवे 548A और उसके आगे कल्याण नगर हाईवे को एक्सेस कर सकते हैं। इस इंटरचेंज पर लगभग काम हो चुका है और अभी टोल कलेक्शन पोस्ट लगाना पेंडिंग है। आगे भी लगभग 10 किलोमीटर के सेक्शन तक पीक्यूसी लेइंग का काम हुआ है। बस बीच में 500-600 मीटर का हिल कटिंग का काम अभी चल रहा है। आगे अंबारजे गांव के नजदीक आता है इस पैकेज का दूसरा और समृद्धि महामार्ग का आखिरी टनल, जो है 463 मीटर लंबा। ये टनल के अंदर पीक्यूसी लेइंग हो चुकी है। टनल के बाद लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक काफी काम चल रहा है। कहीं कहीं पीक्यूसी लिंग हुई है तो कहीं आरओबी का निर्माण चल रहा है तो कहीं हिल कटिंग का काम चल रहा है। आगे देखें तो यहाँ पीक्यूसी लिंग हो चुकी है और इस आरओबी का गर्डर इरेक्शन भी हो चुका है। आगे आता है एक रोड ओवर ब्रिज, जो पार करता है मध्य रेल की कल्याण कसारा रेल लाइन को। यहाँ गर्डर इरेक्शन का काम अभी पेंडिंग है। इस ब्रिज के लगभग 1.5 किलोमीटर बाद आता है इस समृद्धि महामार्ग का टोल प्लाजा। आप उस टोल बूथ का फाउंडेशन वर्क देख सकते हैं। इस टोल प्लाजा के खत्म होते ही आता है भातसा नदी पर चिराड़पाड़ा गांव के नजदीक बना ये वायडक, जो है 1.4 किलोमीटर लंबा। इस वायडक पर भी रोड लेइंग का काम पूरा हुआ है।
इस ब्रिज के बाद शुरू होता है समृद्धि महामार्ग का आखिरी 3 किलोमीटर का हिस्सा। यहाँ अभी अर्थवर्क का ही काम चल रहा है। आगे बढ़ने पर आता है आमने गांव के पास बना ये आमने इंटरचेंज। ये एक डायरेक्शनल टाइप इंटरचेंज है। यह है समृद्धि महामार्ग का एंड पॉइंट। यहाँ ये नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जाकर मिल जाता है नए बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार जेएनपीटी सेक्शन के साथ। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार जेएनपीटी सेक्शन के इस सेक्शन का अपडेट हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक बने इस आमने इंटरचेंज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रोड कहाँ कनेक्ट होगा। जैसे अगर देखें तो ये रोड समृद्धि महामार्ग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जेएनपीटी साइट को कनेक्ट करता है। फिर ये रोड समृद्धि महामार्ग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली या विरार साइट को कनेक्ट करता है। ये रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली विरार साइट से समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करता है। ये रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जेएनपीटी साइट से समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करता है। अभी बताया गया रूट अनुमान से बनाया गया है। वैसे पूरा प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तभी हमें डिटेल में समझ आएगा। अब इस पूरे पैकेज 16 का प्रोग्रेस देखें तो सरलांबे के पास बने वायडक का अभी काम पेंडिंग है और बीच बीच में अभी रॉक कटिंग और अर्थवर्क का काम चल रहा है और रेल लाइन पर बन रहे ब्रिज पर भी काफी काम पेंडिंग है। तो अब वैसे देखें तो इस पैकेज पर बहुत सारा ही काम पेंडिंग है। इस पैकेज के निर्माण को और भी समय लग सकता है। हो सकता है 2025 तक ये पैकेज पूरा हो जाए। एक और चीज अगर आप देखें तो पैकेज 14 जो पूरी तरह से बनकर तैयार है वो तब तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता जब तक पैकेज 15 पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता और पैकेज 16 का एटलीस्ट खुटगर इंटरचेंज तक काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि पैकेज 14 के इगतपुरी इंटरचेंज के बाद डायरेक्ट पैकेज 16 के खुटगर में ही आता है अगला इंटरचेंज। हम आशा करते हैं कि ये काम भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए और समृद्धि महामार्ग खुला हो सके। ये था नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के पैकेज 16 का प्रोग्रेस। इस पूरे समृद्धि महामार्ग के पैकेज 13, 14, 15 और 16 के वीडियो आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कब तक ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा काम अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्त या फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।